अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन पालक के साथ। तो चिकन मैं बनाऊँगी किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने पैन में तेल डाला और एक प्याज मैंने इसमें कट करके डाली है और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि प्याज फ्राई करने में टाइम लगता है। तो मैंने पहले ही पैन को मैं तेल डाल के इसको चूल्हा ऑन कर लिया था और मैंने प्याज कट करके इसमें डाल दी थी, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, जब प्याज फ्राई होगी तो फिर मैं इसमें आपको फर्दर अगला स्टेप बताऊंगी। जब तक प्याज फ्राई हो रही है मैं पालक को काटती हूँ। ये देखिए पालक भी रखे हैं, चिकन भी रखी है, सब चीज़ें रखी। मैं अब आपके सामने पालक काट के लाती हूँ, फिर आप देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। अब ये देखिए प्याज हाफ डन हुई है। ठीक है, क्योंकि फिर इसमें मैं चिकन डालूंगी तो ये इसके साथ फ्राई हो जाएगा। मैंने इसमें चिकन डाल दिया और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसके साथ। इसको मैं भूनूंगी चिकन को और इस साथ में ये टमाटर ये भी डाल दे रही हूँ। अब मैं चिकन को भून रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए चिकन भून रहा है। ये देखिए चिकन को भूनने के बाद अब ये जरा सा ये इसमें भून रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट्स भी डाल दूँगी, ड्राई मसाले जो हमारे पास हमारे घर में हैं। ठीक है, हमेशा की तरह जो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताती हूँ, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ जो घर में मौजूद होती हैं, बाहर के कोई मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये देखें, ये एक चम्मच क्यूमिन पाउडर चाहिए, डाल दिया मैंने। गरम मसाला डालूंगी, एक चम्मच डाल दिया मैंने। हल्दी, बहुत ही कम मसालों में मैं खाना बनाती हूँ, आपने देखा ही होगा। ये देखिए अब हल्दी मैंने हाफ टी स्पून डाल दी और मैंने लाल मिर्चें डाली। मिर्चें ज़रा सा तेज़ डाल दूँगी। अच्छा, थोड़ा सा चिकन जब बन जाएगा, भुन जाएगा, तो फिर इसमें थोड़ा सा मैं पानी इसलिए डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा भूनने के बाद मैं ढक्कन लगा दूँगी इसमें, ताकि ये अच्छे से ये भून जाए। ये देखिए हमें मसाला भून लिया। मैंने क्या किया, पहले तेल में मैंने प्याज, एक प्याज बहुत महंगी हो रही है, मैंने एक प्याज फ्राई किया, हाफ डन किया। उसके बाद मैंने क्या किया, चिकन भी डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर ये डाल के मैं भून रही हूँ। 5 मिनट में इसको भूनूंगी, फिर मैं इसके साथ मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, लाल मिर्चें पिसी हुई डाल दी, हल्दी डाली, गरम मसाला डाला, क्यूमिन पाउडर। अब मैं इसको भून रही हूँ ढक्कन लगा के, थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये जले नहीं। बस इसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, पालक भी साथ डाल दूंगी। इसके बाद आखिर में क्या करना है, हमें बहुत अच्छा भूनना होगा। तभी मैं इसको थोड़ा भूनती हूँ, फिर 10 मिनट के बाद आपको दिखा। अभी देखिए मैंने चिकन को भून रही हूँ, 5-7 मिनट हो गए। अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ठीक है, क्योंकि ये चिकन है ना, चिकन में थोड़ा सा अगर योगर्ट डाल देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये 2 मिर्चें मैंने ली हैं, रेड कलर की हैं, ताज़ी वाली, ड्राई नहीं है, ये मैं डाल दी उसमें तोड़ के। बहुत ही आसान तरीके से मैं खाना बनाना बताती हूँ कि हर के लिए बनाना बहुत आसान है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से बन रही हैं, लेकिन आप देखें कि मैं बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताती हूँ आपको खाना बनाना। तो ये देखिए मसाला बन गया, अब मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको दही के साथ भी थोड़ा सा करने के बाद 5 मिनट, मैंने 3 मिनट इसको करके अब मैं इसमें साथ पालक भी डाल दूँगी, क्योंकि चिकन अब बहुत जल्दी गल जाएगी। और पालक मैंने देखिए बहुत बारीक बारीक काटी है। लोग पालक को ब्रंच करके उसके बाद उसको ग्राइंड करते हैं, मैं ग्राइंड नहीं करूँगी। मैं पालक को चिकन के साथ डाल के इसी तरह से इसके साथ आखिर में बहुत अच्छी इसकी भुनाई करूँगी। आप देखिएगा इतना ही मज़े का, इतना लजीज और खुश रंग बनेगा। ये पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पालक के पानी से ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर अभी आपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने मेरी जो डिश मैंने आपको बताया तो आपको कैसी लगी। ये देखिए अब मैं इसको कवर करके 25 और 30 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको घूमते हुए दिखाऊंगी कि ये कितना खुश रंग और कितना मज़े का बनेगा। तो मेरे
ये डिश को जो मैंने आपको सामने बताया बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन विद पालक ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। क्योंकि लोग मोस्टली ग्राइंड करके पालक को थोड़ा सा बॉयल करते हैं, स्टीम देते हैं, फिर ग्राइंड कर देते हैं, लेकिन मैंने ग्राइंड नहीं किया है। मैंने इसको इसी तरह बारीक बारीक कट करके मैंने चिकन के साथ इकट्ठे डाल दिया ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब इसमें आधा घंटा लगेगा, फिर आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि देखिए चिकन और पालक कितना मज़ेदार तैयार हुआ है। अभी देखिए 30 मिनट से मैं इसको बना रही थी, अब मैं इसको भून रही हूँ। बहुत अच्छा भून लिया मैंने, कि ज़रा सा भी पानी नहीं रहे, क्योंकि पालक का पानी था। मैंने पानी ज़रा सा जो दही डाला उसके प्याले में मैंने ज़रा सा डाल के पानी डाला था, वरना मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, मगर देखिए कितने अच्छा ये सालन बना। बिल्कुल मैंने इसमें पेस्ट की तरह कर दिया। मैंने हालांकि पालक को ग्राइंड नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया, चिकन और पालक साथ डाला मैंने। कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पालक को उबालें और उसको पीसें तो ही पालक और चिकन बन सकते। इसको आप गोश्त में भी बना सकते हैं, पालक को कीमे में भी बना सकते हैं आप। और ये चिकन भी गल गई है, पालक बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, रोगन ऊपर आ गया है। और इसको आप चपाती के साथ खा लें या प्लेन राइस के साथ खा लें या नान के साथ खा लें, ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए बिल्कुल इसमें एक कचरा भी पानी का नहीं। ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है इसकी और कितना लजीज ये तैयार हो रहा है। तो ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरह से मैं आपको हमेशा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हमेशा आपको मैं कोई भी सालन कोई भी डिश बनाना सिखाती हूँ जो मेरे घर के ही में ही होते हैं। 3-4 इंग्रेडिएंट्स से ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, हमेशा आपको इसी तरह से बनाना सिखाती हूँ। आप भी इसी तरह से बनाइए। और ये बाबरकत महीना जो हमारा शब-ए-बरात का गुजर रहा है और बहुत ही खूबसूरत महीना आ रहा है रमज़ान का, अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे, सुकून दे, खैरियत दे, कि हम इसी तरह से अपने बच्चों के साथ रमज़ान गुजारें और उनको अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएँ अपने हाथों से प्यार मोहब्बत के साथ। अल्लाह ताला हम सब के घर को आबाद रखे। तो हमें खाना बनाने में इसलिए मज़ा आता है कि हमारे बच्चे हमसे फरमाइश करते हैं कि आप ऐसा खाना बनाएं, हमें दानो ऐसा खाना चाहिए, दाद दो हमें ऐसा खाना चाहिए। मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं। आज मेरी नवासी बहुत खुश हो जाएगी जब ये देखेगी कि पालक नानो ने बनाया, क्योंकि पालक बहुत शौक से खाती है। चाहे वो आलू में बना लें, चाहे आप वो दाल में बना लें, चाहे आप चिकन में बनाएं, वो सुन के ही खुश हो जाएगी नानू आज आपने पालक बनाया। तो मैंने कहा कि आज मैं अपनी नवासी को खुश करती हूँ। ये देखिए मैंने पालक गोश्त बना लिया, आप भी इसी तरह से बना लीजिए। और मेरी बहनें मेरे प्यारे प्यारे देखने वाले मेरे व्यूअर्स को मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैंने जब आपको बताया आपने ये डिश ट्राई की और आपको कैसी लगी। तो मुझे इसका इंतज़ार रहता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश रखे, हमारे दस्तरखान को आबाद रखे, खैर व बरकत अता करे हमारे रिस्क में, हमारी रोज़ी में और हमारे बच्चों के और बच्चों की उम्र में बरकत दे, खुशियाँ दे, हमें सुकून दे, दे। बस अब मैं इसको बंद कर रही हूँ चूल्हे को, बहुत अच्छे से मैंने इसे भून लिया, आपको मैंने दिखा भी दिया कि बन के ये किस शक्ल में आया है। तो इसी तरह से आप बनाते रहिए और मुझे अपने साथ दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।